पाकिस्तान भारत से ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। पाकिस्तान साइंस में भारत से 2 कदम आगे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भारत को स्पेस सेक्टर में पछाड़ रहा है। अगर मैं ये सारी बातें बोलूंगा तो आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन एक जमाना था जब ये तीनों स्टेटमेंट सच थे। जी हाँ, यही पाकिस्तान भारत से पहले स्पेस में पहुंचा था। लेकिन आज भारत पाकिस्तान से आगे कैसे निकला, चलिए बताता हूँ कैसे। एक हीरो की वजह से, उस हीरो का नाम है विक्रम साराभाई। आज हम टीवी पर क्रिकेट मैच एंजॉय करते हैं, IIM अहमदाबाद में जाने के सपने देखते हैं, या फिर इसरो की अचीवमेंट देखकर प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान के विजन की वजह से पॉसिबल हुई। आज का वीडियो भारत और पाकिस्तान के स्पेस वॉर के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो A1 नॉलेज ट्रैक को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। चैप्टर 1, कौन थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री भी की थी और उनके पास बहुत सारा पैसा भी था। इसके अलावा उनके पास भारत के बाहर जाने के लिए अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी भारत को ही क्यों चुना, भारत में रहने का डिसीजन क्यों लिया, यह हमारी सोच के परे है। इसका एक ही रीजन हो सकता है, वह अपने देश से बहुत सारा प्यार करते थे और उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि उनका एक ही सपना था, भारत को स्पेस तक पहुंचाने का सपना। जब भी ये बात वह दूसरों को कहते थे तो लोग उन पर बहुत हंसते थे, बल्कि एक बार न्यूज़पेपर ने हेडलाइंस प्रिंट की थी, इंडिया नीड राइस नॉट रॉकेट। और यह सच भी था। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन चुका था। लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। अमीर देशों से भीख मांग रहे थे। लोग बोलते थे कि भारत जैसे गरीब देश को स्पेस प्रोग्राम की क्या ही जरूरत है, क्योंकि इनके पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो साराभाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, भारत एक गरीब देश है, इसलिए हमें स्पेस प्रोग्राम की बहुत जरूरत है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में वह पोटेंशियल है जो भारत की डेवलपमेंट में भी मदद कर सकती है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकती है। और आज वही तो हो रहा है। स्पेस प्रोग्राम की वजह से हमें वेदर इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिलती है, जिससे किसान अपने डिसीजन टाइम पर ले सकते हैं। आने वाले साइक्लोन के बारे में टाइम रहते ही पता चल जाता है, इससे डिजास्टर मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ही योगदान है। उन्होंने और उनके दोस्त डॉक्टर होमी भाभा ने मिलकर कुछ सालों में ही भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पाकिस्तान पीछे छूट गया। चैप्टर 2, स्पेस रेस, साल 1957, जब USSR ने एक चमत्कार किया, एक आर्टिफिशियल मून स्पेस में भेजा जिसका नाम था स्पटनिक। यह आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक फुटबॉल के साइज का था, लेकिन जब यह स्पेस में पहुंचा तो इसने 2 मैसेजेस पूरी दुनिया तक पहुंचा दिए। एक, अमेरिका से पहले ही USSR स्पेस में पहुंच गया, और दूसरा, स्पेस में पहुंचना हर देश के लिए पॉसिबल है। कुछ ही महीनों बाद उन्होंने एक लाइका नाम के डॉग को भी स्पेस में भेजा। अमेरिका डर गया क्योंकि नासा स्पेस रेस में पीछे छूट रहा था। USSR की तरक्की अमेरिका के लिए बैड न्यूज थी, लेकिन दूसरे देशों के लिए एक आशा की किरण थी स्पेस में जाने के लिए। बाकी अमेरिका और USSR के स्पेस रेस के बारे में हम सब जानते ही हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक स्पेस रेस चल रही थी। यह है डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो पाकिस्तान के सबसे स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट भी रहे हैं। इनके जीनियस माइंड की वजह से पाकिस्तान ने साल 1961 में अपना पहला स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, और अगले ही साल एक साउंडिंग रॉकेट भी। और ये सब कुछ हुआ भारत के स्पेस प्रोग्राम शुरू होने से 8 साल पहले। USSR, जापान, इजराइल के बाद पाकिस्तान स्पेस में जाने वाला एशिया का 4th देश बन गया था। लेकिन उन्होंने किया कैसे? जी हाँ, अमेरिका की मदद से, क्योंकि अमेरिका भी स्पेस रेस में अपना डोमिनेंस बनाना चाहता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि वह 1970 से पहले चांद तक पहुंच जाएंगे। यह बहुत बड़ी कमिटमेंट थी, और इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एलिस, ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट चाहिए थे। उन्हें इंडियन ओशियन के पास एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनकी मदद कर सके, और पाकिस्तानियों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। साल 1961 में पाकिस्तानियों ने सुपार को ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और अगले ही साल यानी 1962 में नासा के हेल्प से पहला रॉकेट लॉन्च भी कर दिया। अब तक भारत का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, अब पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा था। अच्छी बात थी, इससे भारत को क्या ही फर्क पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि स्पेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी दोनों हैंड इन हैंड डेवलप होते हैं। जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जाने वाले रॉकेट के लिए यूज हो सकती है, वह भारत पर अटैक करने वाले मिसाइल के लिए भी यूज हो सकती है। यह बात विक्रम साराभाई को पता थी, इसलिए उनका विजन एक सही डायरेक्शन में जा रहा था। चैप्टर 3, इंडिया फाइट्स बैक, विजन ऑफ विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने सिचुएशन को समझा। उनके पास एक प्रॉब्लम्स की लंबी लिस्ट थी, भारत के पास क्या है और क्या नहीं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लीडर्स और नए अच्छे साइंटिस्ट को देने के लिए पैसा, या कह सकते कि भारत के पास कुछ भी नहीं था सिवाय आशा के। उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को 1 by 1 एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया। विक्रम साराभाई खुद कॉस्मिक रेज के फील्ड में एक्सपर्ट थे। उन्हें नोबेल प्राइज विजेता CV रमन ने ट्रेन किया था, और उनके फ्रांस और अमेरिका में बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उनके सामने एक इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि
बिना किसी स्पेस प्रोग्राम के, बिना इक्विपमेंट्स के, बिना पैसे के दुनिया को कन्विंस करना भारत के स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने यह करके दिखाया। अमेरिका ने अपने अपाचे रॉकेट्स प्रोवाइड किए, फ्रांस ने फ्री में पेलोड प्रोवाइड किया। यह माल एक बैलगाड़ी में तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पहुंचा और 22 नवंबर 1963 को भारत की धरती से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च भी हो गया। सारा भाई ने इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर दिखाया। चैप्टर 4, इसरो और उसके अचीवमेंट्स। पहला रॉकेट लॉन्च होने के बाद भी इसरो को एक ऑर्गेनाइजेशन बनने में 6 साल लगे। उसके बाद इसरो ग्रो कैसे हुआ? उन्होंने ग्रोथ के लिए लीप फ्रॉगिंग अप्रोच अपनाया। लीप फ्रॉगिंग का मतलब है जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने डेवलप की है उनकी मदद लो और सेम टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम वेस्ट मत करो। इस अप्रोच की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए खुल गए। इसरो ने साइट यानी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इसके द्वारा 2400 गांवों में हजारों लोगों को सैटेलाइट के थ्रू एजुकेशन देना स्टार्ट किया। साल 1983 में इसरो ने इनसेट यानी हमारा पहला सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया और इसके बाद तो इसरो रुका ही नहीं, एक के बाद एक सैटेलाइट लॉन्च किए। हम चांद और मंगल पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अब वीनस पर जाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान इसी स्पेस रेस में पीछे छूट गया, इतना कि उनके पास आज भी अपनी इंटेलिजेंस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम नहीं है। उनका टारगेट है कि वह 2040 तक खुद के सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। वहीं भारत दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है। चैप्टर 5, व्हाई पाकिस्तान फेल्ड। इस पूरी कहानी में सुपारको यानी पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम पीछे क्यों छूटा? पाकिस्तान भारत से स्पेस रेस में क्यों हार गया? क्योंकि भारत ने सारा भाई के विजन पर फोकस किया, एडवांस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करने पर फोकस किया और पाकिस्तान ने वेपन्स डेवलप करने पर फोकस किया, भारत को डिस्ट्रॉय करने पर फोकस किया। पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो 1970 में इन्होंने खुद कहा था कि अगर इंडिया बम बनाएगा तो हम घास पत्तियां खा लेंगे और भूखा भी रह लेंगे, लेकिन हम खुद का बम बनाएंगे। पाकिस्तान और भारत की कहानी डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर अब्दुल सलाम की कहानी समझने पर क्लियर हो जाती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम एक महान साइंटिस्ट थे, उन्हें आगे जाकर एक नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन साल 1974 में उस समय के पाक पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बिल पास किया जिसे अहमदी लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। इस नए लॉ की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे ग्रेट इंसान को सुपारको की हेड पोजीशन से निकाल दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम अपनी कंट्री से प्यार करते थे, विक्रम साराभाई भी अपनी कंट्री से प्यार करते थे, लेकिन ओनली वन कंट्री लव देयर साइंटिस्ट, यू बेटर अंडरस्टैंड। क्या आपने खुद से कभी सवाल किया, आज भी हम अपने साइंटिस्ट से उतना ही प्यार करते हैं या उतनी ही इज्जत देते हैं जितना पहले करते थे? आज तो हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में इतना खर्चा नहीं कर सकते। क्यों हम अपने साइंटिस्ट को अच्छी सैलरी नहीं दे सकते? यह सवाल हमें कंट्री से पूछने की जरूरत है।